भारतीय जनता पार्टी जिन भी राज्यों में सत्ता में शामिल है उन राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित कई जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बक्सर पहुंचे थे और बक्सर में जो भव्य कार्यक्रम हो रहा है उसमें उन्होंने शिरकत की। इस दौरान कई जो बड़े गायक हैं देश के वो भी बक्सर पहुंचे थे, लेकिन आज जो तस्वीरें बक्सर से निकल कर आ रही है वो कई सवाल पूछती है। बता दें आपको कि अहिल्या के उद्धार स्थली अहिरौली में हो रहे सनातन संस्कृति समागम पर देश की निगाहें टिकी हुई है। इस सनातन संस्कृति समागम में 9 नवंबर को आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए थे। 15 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 9 राज्य के मुख्यमंत्री के अलावा 5 राज्य के राज्यपाल तो 2 राज्य के उप मुख्यमंत्री के अलावे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी शामिल होना है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में पोडियम पर बोलने के लिए मंत्री जी जैसे ही पहुंचते हैं तो माइक से आवाज़ नहीं आ रही होती है, जिसके बाद पहले पोडियम पर जो व्यक्ति वक्तव्य दे रहे थे उसे मंत्री जी खड़ी खड़ी सुनाने लगते हैं। खड़ा व्यक्ति तेजी से जाकर मंत्री जी को दूसरा माइक देता है। इतने में मंत्री जी उसके हाथ से माइक को झटक कर कुछ बोलते हुए धक्का देते हुए निकल चलते हैं। दर्शक दीर्घा में बैठे किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जिसके बाद लोग तरह तरह की कमेंट्स दे रहे हैं। देखिए पूरा मांजरा। अरे सांसद महोदय जी करेंगे आगे कथा का कार्यक्रम चलेगी तो 2 मिनट में अपने भावों को बस 2 मिनट में बोलना तो हमेशा है, जब से सांस समाप्त है बोलना ही बोलना है, जब जब बोलने का मौका मिलेगा बस 2 मिनट। तो देखा आपने किस तरीके से केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे मंच पर जब जनता को संबोधित करने पहुंचते हैं और उनका माइक खराब होता है तो जो व्यक्ति पूरे मंच की संचालन करता है उसके हाथ से किस तरीके से वो माइक को झटकते हैं और उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाते हैं। अब जब वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है तो तमाम लोग मंत्री अश्विनी चौबे के इस रवैये को लेकर कई तरीके की जो टिप्पणी है वो कर रहे हैं। एक बार फिर हम आपको इस वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं। बस 2 मिनट में हमारे सांसद महोदय जी करेंगे आगे कथा का कार्यक्रम चलेगी तो 2 मिनट में अपने भावों को बस 2 मिनट में बोलना तो हमेशा है, जब से सांस समाप्त है बोलना ही बोलना है, जब जब बोलने का मौका मिलेगा बस 2 मिनट। Vamos.